दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग इतना गर्मी में कंपनी में आए हुए हैं। यहाँ पे काम अपना चल रहा है, यहाँ पे सारा काम अपना कंटिन्यू चल रहा है इसी में बैठ के, लेकिन गर्मी बहुत है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम तो काम करते हो बहुत ऐश मौज करते होगे, बहुत ऐश मौज करते होगे। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम करने लोगोगे तब पता चलेगा क्या ऐश क्या मौज। हम भी पहले यही सोचते थे जब पढ़ाई करते थे, तो सोचते थे कि पढ़ रहे हैं यार, बाहर से लोग आ रहे हैं कमा कमा कि ये मोबाइल ला रहे हैं, वो कपड़े वैसे वैसे, मतलब कि बहुत सोच रहे थे कि पढ़ाई में कुछ नहीं है। इसी सिलसिले में हमने भी उतना पढ़ाई किया नहीं, और मतलब कि कमाने के ज़्यादा चक्कर में पड़ गए। शुरू से ही दिमाग में लगाया नहीं पढ़ाई पर, लेकिन जब ये भाई 40 डिग्री तापमान झेलना पड़ेगा ना काम के वक्त, मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो पढ़ रहे हैं वो मन लगा के पढ़ें। जब ये 40 डिग्री तापमान झेलना पड़ेगा यहाँ पे, तब पता चलेगा आप लोगों को कि पढ़ाई में क्या है क्या नहीं। आदमी तो बोल देते हैं कि यार तुम काम कर रहे होगे बहुत ऐश कर रहे होगे मौज कर रहे होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो आप लोग शेड, इसमें अभी 40 डिग्री तापमान है सुबह सुबह, अभी सुबह के 11 भी नहीं बज रहे हैं, फिर भी 40 डिग्री तापमान हो गया है। तो यही मैं कहना चाहूँगा सारे लोगों से, पढ़ाई का मौका है पढ़ लो बढ़िया से सब लोग, जो नहीं पढ़ोगे तो फिर यही देख लो ये गर्मी। झेलना तो ज़िंदगी भर काम करना ही है, लेकिन जब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर ही लो। हम भी यही सोचते थे जब दिल्ली से लोग आते थे तो ये साला स्क्रीन टच मोबाइल खरीद के लाते थे, कपड़े खरीद के लाते थे, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आता था कि साला जाएंगे हम भी ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब हम कमाने लगे तब पता चला कि भाई जो लोग दिल्ली जाते थे मुंबई जाते थे कहीं कहीं से भी कमाते थे, उन पे क्या बीतता था कैसे कमाते थे, लेकिन उन्हीं के चक्कर में हम लोगों ने भी पढ़ाई उड़ाई उतना मन से किया नहीं, और आज ये कंपनी में काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ये इतना गर्मी में, यहाँ पे गर्मी हो या कुछ भी ठंडी हो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई का मौका आप लोग खोइए मत, मन लगा कर पढ़िए। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जतिन बोलिए, पढ़ाई का जब मौका आए तो आदमी लोगों को पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं? ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है कि काश हमने वक्त रहते पढ़ लिया होता तो आज हमारे समय कम से कम किसी के आगे नौकरी नहीं करनी होती या छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी होती। बिल्कुल है ना, पढ़ लिया होता तो एक अच्छी पोस्ट पे होते, अच्छे से पैसे कमाते और घर वालों की जितनी परेशानियां वो दूर करते। वही बात है, देख रहे हैं सब लोग, मतलब कि उस समय यही किए, पढ़ने का मौका है सबको मिला, लेकिन सबका परिस्थिति एक तरह नहीं होता है। किसी का परिस्थिति होता है कि ना चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, किसी का परिस्थिति होता है कि मन मौजी पढ़ाई छोड़ दिए, घर वाले कितना भी कहेंगे पढ़ लो लेकिन आदमी पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, आप लोगों को मौका मिले पढ़ने का तो ज़रूर पढ़ें। मेरी राय कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताएं।